अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम कहाँ गए हैं? हम गए थे पटियाला और यहाँ हम चेयर लिफ्ट पर बैठे थे। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप इस व्लॉग में पूरा देखेंगे। हॉर्स राइडिंग है, केबल कार है, चेयर लिफ्ट है और बहुत प्यारी मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि इस व्लॉग में आप देख लेंगे। टिकट्स हमने ले लिए और अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं अपने नंबर का कि जैसे हमारा नंबर आओ जल्दी से हम बैठ जाएंगे। अच्छा, बैठते वक्त तो इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन उतरते वक्त मतलब भागना पड़ता है उतरते वक्त कि जल्दी से उतर के साइड पे हो जाए। और उस दिन पैर में इतना दर्द था और उतना ही मुझे चलना पड़ा, भागना पड़ा। चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद हम आ गए थे इस पॉइंट पे। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह थे, खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, एक्टिविटीज़ थी और यहाँ पे लोग अपनी पिक्चर्स बनवा रहे थे जो कि बहुत खूबसूरत आती हैं यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह। ये देखें सामने माल रोड, कश्मीर पॉइंट सब उस तरफ है। कश्मीरी चाय हमने पी ली थी यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं आगे क्योंकि हमें बैठना था केबल कार पे। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। और ये छोटे छोटे स्टेप जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ जैसे स्टेप लग रहे थे उस दिन क्योंकि मेरे पैरों में बहुत शदीद दर्द था। मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे पैरों से लग रहा है कि जैसे 60 साल की कोई बूढ़ी औरत घूम रही है मेरे साथ। कौन है ये लोग? इतना दर्द था। तो केबल कार में 8 लोग बैठ सकते हैं। तो केबल कार से उतरने के बाद अब हम आ गए थे इस पॉइंट पे और यहाँ हमने करी थी हॉर्स राइडिंग। और यहाँ पे काफ़ी ट्रैक बने हुए थे, एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी थी, स्टॉल्स वगैरह थे खाने पीने के और शॉप्स भी थी, गिफ्ट शॉप्स जो होती हैं। काफ़ी सारे कपल्स आए हुए थे, एक सामने आगे मेरे कपल जा रहा था, उन पर मैंने वॉइस ओवर करी है, देखते हैं आप लोगों को कैसी लगती है। रुको जरा, सबर करो। सुनो मियाँ, सामने ना बहुत बड़ी बड़ी सी शॉप्स हैं, तो क्या करूँ मैं? ऐसे मुझे कुछ दिला देना, तुम बड़े कंजूस हो। कोई कंजूस नहीं हूँ मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे मारूंगी मैं। Once more. मारूंगी मैं तुम्हें अगर तुमने मुझे कुछ दिलाया नहीं। अपनी दोस्तों से मैं कहकर आई हूँ मैं घूमने जा रही हूँ और बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और दिखाऊंगी भी। जाओ, मैं तुमसे नाराज हो जाती हूँ। अच्छा चलो मैं दिला दूंगा। नहीं नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, दिलाते नहीं हो, कंजूस हो बहुत ही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कैसे लगी आप लोगों को मेरी ये वॉइस ओवर? और बचपन से आदत है मेरी ये ना, फिल्म वगैरह आती थी तो उसमें भी मैं आवाज़ बंद करने के बाद बड़ी फनी सा कुछ बोलती थी, उसके बाद सब हंसते थे और अभी भी यही आदत है मेरी। खैर, हॉर्स पे अब हम बैठेंगे और मैं बैठी हूँ फर्स्ट टाइम क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ भाई, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। ऐसे चलेगा सही। आप खुद चलाना जानते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद नहीं। आप खुद नहीं चलाएंगे, मैं आपको बताता हूँ ना। ये आप ये एक हाथ से पकड़े, मैं पकड़ लूँ ये टेट। हाँ। रहना है ठीक है, बस घोड़ा हम चलाएंगे, आप डरना नहीं है ठीक है। तस्वीर वीडियो जिधर व्यू अच्छा लगेगा हम लेंगे आपकी। ये देखो ये उसी पॉइंट से आ रही है घोड़े, पॉइंट वो देखने वाला, उस पॉइंट की सेटिंग 11,000 फुट हाइट है, आजाद कश्मीर ग्लेशियर के पार्ट। ये देखो घोड़ा इस तरह चलेगा भाई, ये तो हिल रहा है।
मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आप वेट पीछे रखे, आप एंजॉयमेंट करें। जैसे चेयर पे बैठे रखिएगा कमर यूं, अगर आगे करेंगे तो क्या होगा? आगे करेंगे कुछ भी नहीं होगा। क्यों सर जी? अरे खुद चला दे रहे ना घोड़ा। नहीं भाई नहीं, ये घोड़ा बहुत सही चलता है। नहीं नहीं सही है, सर जी आप डरते हैं ना? हम लोग डरते हैं, मैडम खुद चला रहे हैं। डरते डरते हॉर्स राइडिंग भी कर ली, मुझे बहुत डर लगता है इससे और मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती, लेकिन आज मैं बैठ गई फर्स्ट टाइम। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मोबाइल मेरे हाथ से गिर ना जाए, तो फिर मैंने मोबाइल जो है वो रख लिया था वापस। फिर अब हम बैठ जाएंगे केबल कार पे और अब हम जा रहे हैं वापस। चेयर लिफ्ट पे या केबल कार पे जब भी बैठें और उतरें इस पे से, तो बड़ी एहतियात के साथ बड़े तरीके से उतरना चाहिए, वरना फिर आप इस तरह गिर सकते हैं। ये जो आगे हमारी फैमिली बैठी थी, ये चढ़ते वक्त भी इतना शोर कर रहे थे, इनके साथ माशाल्लाह बच्चे भी थे, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, और उतरते वक्त तो ये अंकल गिर गए थे बहुत बुरी तरह। तो जब भी ऐसी जगहों पर आएँ बच्चों के साथ, तो प्लीज़ प्लीज़ बहुत ख्याल किया करें, अपना भी और अपने बच्चों का भी। तो कैसे लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग? और ये सारे प्यारे प्यारे से व्यू आप लोगों के लिए मैंने सेव करके रखे हुए थे, और बहुत ही डरते डरते व्लॉग बनाया मैंने अपना ये, क्योंकि चेयर लिफ्ट पे बैठ के भी बहुत मुश्किल होती है व्लॉगिंग करना और मोबाइल निकालना। मैं तो वो बंदी हूँ कि सेल्फ़ी के लिए भी मोबाइल ना निकालूँ, लेकिन अब करना है तो फिर करना है। आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें सेव कर ली थी मैंने, अच्छा लग रहा था, इतना सुकून वाली जगह थी, नीचे जंगल, ऊपर से हम जा रहे हैं, ना कोई शोर ना किसी चीज़ की आवाज़, सुकून का एहसास हो रहा था। चेयर लिफ्ट से उतरते ही मेरे मियाँ ने बोल दिया जल्दी से भागो, तुम राइट लेफ्ट पे जाना, मैं राइट पे जाऊँगा। तो यहाँ मैं भागते भागते उतर तो गई, लेकिन ये जो ख़तरनाक सीढ़ियाँ आ रही हैं ये उतरना बड़ा मुश्किल हो गया था। उफ, ये ख़तरनाक सीढ़ियाँ। पैरों की बज गई है मेरी टाइट वाली। आपको मैं छोड़ देता हूँ। कोई नहीं, जा रहे वापस। दरिया नीलम ले जाए, मैं ट्रॉट के लाए। क्या हो, नहीं उतरा यार? पिट्टी आ जाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करवा भी दीजिएगा सबसे। इंशाल्लाह फिर आऊँगी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।